इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द ड्रीम ऑफ द रूट के बारे। ये एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है, एंग्लो सैक्सन एज का एक पोएम है। इसमें क्राइस्ट का जो रूट है, रूट यानी जो क्रूसिफिक्स जिसमें क्राइस्ट को नेल किया गया था, उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था, वो एक सपने में आता है। ठीक है, सपने में आता है, वो जो स्पीकर है पोएम के स्पीकर है उनका सपने में आता है और सपने में आके उनको काफ़ी सारा चीज़ बता है। वहीं सपना लेकर के ये पोएम का स्पीकर अपना पूरा एक्सपीरियंस वर्णना करते हैं। दैट इज़ द होल पोएम अबाउट द ड्रीम ऑफ द रूट। ये ड्रीम एलेगरी के अंतर्गत पड़ता है। ड्रीम एलेगरी प्राचीन ज़माने में काफ़ी फेमस था। ठीक है, उस टाइम सपनों के ज़रिए काफ़ी सिंबॉलिक चीज़ें समझाया जाता था, लाइफ का काफ़ी लेसन्स पढ़ाया जाता था, मोरालिटी वाचक कुछ कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो उसको ड्रीम एलेगरी कहा जाता था। तो ड्रीम ऑफ द रूट वैसे एक ड्रीम एलेगरी है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग इसका समरी को बहुत ध्यान से समझेंगे, इस लिहाज से ताकि पूरा पोएम का सारांश भी हम लोग को समझ में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सके और इंपॉर्टेंट कुछ लाइन भी देख लेंगे और डिटेल्स भी फॉलो करते चलेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो रूट वर्ड है ये आया है, इसका जो ओरिजिन है दैट इज द ओल्ड जर्मैनिक वर्ड रोड या रॉड, जैसे भी स्पेल करें, इसका मतलब होता है क्रूसिफिक्स या पोल। क्रूसिफिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस पोएम को पाया गया है वर्सेली बुक में। ठीक है, ये 10th सेंचुरी का एक ओल्ड इंग्लिश मैनुस्क्रिप्ट है, इसमें इसको पाया गया है। और इससे भी पहले इसका सबसे ओल्डेस्ट जो एग्जांपल है वो है रूथवेल क्रॉस में। रूथवेल क्रॉस एक बहुत बड़ा क्रॉस है। ठीक है, 8th सेंचुरी में ये पाया गया था और इसमें खुदाई करके लिखा हुआ था ये पोएम। तो एक तरीके से देखा जाए तो इससे ज़्यादा पुराना और पोएम का कोई अस्तित्व नहीं है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, अब इसका ऑथरशिप को लेकर थोड़ा सा डिबेट है, हालांकि कोई प्रामाण्य नथि तो नहीं मिलता, फिर भी माना जाता है कि ओल्ड इंग्लिश के जो दो काफ़ी फेमस पोएट थे, एंग्लो सैक्सन पोएट्स, एक जो कैडमन और एक थे साइनुल्फ या काइनुल्फ, जैसे भी आप उसको स्पेल करें, तो इन दोनों में से कोई एक लिखे होंगे, हालांकि इसका प्रामाण्य कोई नथि नहीं है। अब समझते हैं पूरा पोएम तीन स्ट्रक्चर में बटा हुआ है, या कह लीजिए तो तीन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्से में जो स्पीकर है वो डिस्क्राइब करते हैं अपने ड्रीम को, कि ड्रीम में उन्होंने क्या देखा, एक रूट को देखा और वो रूट का वर्णना वो करते हैं। अगला हिस्से में वो कहते हैं कि वो जो रूट को वो देख रहे हैं वो उनसे बोल रहा है, कुछ चीज़ें उनसे गुफ्तगू कर रहा है। क्या वो बोल रहा है वो है सेकंड हिस्सा में। और थर्ड हिस्सा में है कि वो ड्रीम देखने के बाद, उसका रूट का बात सुनने के बाद, उनका पोएट का यानी जो स्पीकर है उनका मन का हालात क्या है, उनका स्पिरिचुअल अभी थॉट्स क्या है, ये तीनों हिस्सों में बटा हुआ है। तो चलिए पहला हिस्सा का समरी से शुरू करते हैं। पोएम शुरू होता है ऐसे कि मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीचों बीच एक सबसे बढ़िया ड्रीम ये देखते हैं स्पीकर। ठीक है, और कैसा ड्रीम, जिसमें ग्रेटेस्ट ट्री, ट्री यानी वही क्रूसिफिक्स का बात किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप और जान लीजिए, इस पोएम में आपको काफ़ी सारे हाइपरबोल मिलेंगे। हाइपरबोल यानी एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बोलना। जनरली ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में, क्योंकि वो हीरोइक पोएट्री होता था, किसी का गुणगान उसमें किया जाता था, तो उसमें एग्जेजरेशन का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता था। एक और चीज़ का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता था, डैट इज एलिटरेशन। देखिए, एलिटरेशन का आपको यहाँ ढेरों मतलब एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ओके, तो रात का बीचों बीच जो सपना है उसमें उन्हें वो देख रहे कि ग्रेटेस्ट ट्री है, बहुत बढ़िया एक ट्री है, वो ट्री आ करके, अच्छा, स्पीच बियरर्स, किस समय में वो ट्री उनका सपने में आ रहा है, जब स्पीच बियरर यानी बात करने वाले, एक्चुअली एक सर्कम लोकेशन है, घुमा फिरा के बताया गया वर्ड है। एक्चुअली स्पीच बियरर्स मतलब क्या, ह्यूमंस, इंसान, जब इंसान रेस्ट लेते हैं उस घड़ी में, रातों के बीचों बीच ग्रेटेस्ट ट्री मेरे सपने में आया। कैसा वो ट्री था, लाइट ऑफ ब्राइटेस्ट बीम्स, यानी बहुत ही जोरदार, बहुत ही शानदार किरने, रोशनी की किरने से घिरी हुई वो ट्री था। गोल्ड भी उसमें लगा हुआ था, सोने से वो कारुकार्य मंडित था, जेम स्टोन्स में था, उसमें कीमती कीमती पत्थरे जेवरात उससे उसमें जड़े हुए थे, उसका खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। उसका जो शोल्डर है, शोल्डर यानी वही ब्रांच आप कह ले सकते हो, उसका टहनिया, उसमें भी 5 और गोल्ड और जेम स्टोन उसमें शाइन कर रहे थे। ठीक है, हालांकि उस टाइम में क्रॉस को, या उस ट्री जो क्रॉस टाइप का ट्री है, उसको गैलोस का तहत इस्तेमाल किया जाता है। गैलोस यानी एक ऐसा जगह जिसमें बलि दिया जाता हो, या सर कलम किया जाता हो, कोई इंसान का सर रख के उसको काटा जाता हो, तो उसको गैलोस कहा जाता है। हालांकि ये कोई गैलोस नहीं था, ये बल्कि क्या था, होली स्पिरिट से जुड़ा हुआ था, घिरा हुआ था। ये जो ट्री है ना, ये सबसे बढ़िया ट्री है, ये कोई भी नेगेटिविटी को मतलब आभास नहीं देता, ये हमेशा पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, हेवनलीनेस, ये सब चीज़ों से घिरा हुआ है।
जो एंजल्स ऑफ द लॉर्ड है, यानी जो ईश्वर के जो एंजल्स है, जो दूत है, स्वर्गीय जो दूत है, उनसे, होली स्पिरिट से ये घिरा हुआ है। अच्छा, इसको, इस ट्री को और क्या नाम दिया गया है? विक्टी ट्री, विजय का जो पेड़। और क्या नाम दिया गया है? ट्री ऑफ ग्लोरी। ठीक है, और क्या बताया गया है? द सॉवरेन ट्री और द ट्री ऑफ द सेवियर। ये कुछ कुछ नाम है जो इस रूड को या इस क्रूसिफिक्स को या इस ट्री को दिया गया है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस नामों से उस ट्री को वर्णना किया गया है, या फिर इन चारों नामों से कोई भी नाम आपको देके बताएगा कि इस नाम के जरिए किसको समझाया जा रहा है, तो आंसर होगा वही रूड को। ठीक है, या फिर जो क्रूसिफिक्स, जहाँ पे क्राइस्ट ने क्रूसिफिक्शन उनका हुआ था। ठीक है, तो अब जो स्पीकर बोल रहे हैं कि ये जो इतना जेम स्टोन भरा हुआ है, गोल्ड भरा हुआ है, ये काफ़ी शाइन कर, लेकिन इसका बीच बीच में मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी दिख रहा कि उसमें से खून निकल रहा है, कट रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो एक जिंदा पेड़ है और उसमें कोई जख्म भर गया हो, उसको कोई मार रहा हो। ये जो खून निकल रहा है, ये जो देख रहे हैं, किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट को जब उस क्रूसिफिक्स के साथ लगा करके उनका हत्या किया गया था, तो वो जो क्राइस्ट का बॉडी से जो खून टपक रहा था, वो तो क्रूसिफिक्स में भी लग गया होगा ना, ट्री में भी। तो उसी दृश्य का वो एक दोबारा दोहरा रहे हैं कि कभी कभी ब्लड निकलते हुए देख रहे हैं, कभी कभी गोल्ड में शाइन करते हुए देख रहे हैं। अब एक लाइन आता है इसी संदर्भ में, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। आई वॉज फियरफुल फॉर दैट लवली साइट। उस बहुत ही प्यारा दृश्य को देख के मैं थोड़ा सा भयभीत हो गया। कौन सा दृश्य? के बीच में कभी खून आ रहा, कभी गोल्ड जैसा शाइन कर रहा है, इसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या है कि वही चीज़ को वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे, कभी कभी लग रहा है जैसे एकदम ट्रेजर खुल गए, ट्रेजर यानी बहुत ज़्यादा धन रत्नों का संभार, वो खुल गया है, और कभी कभी लग रहा है कि एकदम जख्मी जो चीखे है या खून है वो उसमें से टपक रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन में पोएट बात कर रहे हैं कि जब ये जो रूड था, ये जो उनका ड्रीम में वो देख रहे थे, ये अब उनसे बात करना शुरू किया। क्या क्या बात वो किया, उसका समरी अब देख लेते हैं। वैसे वर्णना करते हैं कि जो तो बेस्ट ऑफ वुड है, सबसे बेहतरीन पेड़ है, यानी वही रूट। ठीक है, वो अपना किस्सा बताया कि मैं एक ज़माने में और नॉर्मल एक पेड़ हुआ करता था, तो जो दुश्मन थे, दुश्मन इन द सेंस जो जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने क्रूसिफिक्स किया था, उनका बात किया जा रहा है। तो दुश्मनों ने क्या किया, मुझे काटा और मुझे पहाड़ी में जहाँ पर मैं था वहाँ काट काट के दुश्मनों ने अपना कंधे में करके मुझे ले करके रख दिया, गाड़ दिया एक जगह। कहाँ और किस लिहाज से यूज़ करने के लिए? क्रूसिफिक्स का तरह यूज़ करने के लिए। ठीक है, उनके दुश्मन को, और उनके दुश्मन कौन है? लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड, यानी जीसस क्राइस्ट। अब जैसे रूट का कहीं अलग अलग नाम मेंशन किया गया है, वैसे क्राइस्ट का भी अलग अलग नाम मेंशन किया गया है। सारा मैंने मेंशन करके रखा है, ध्यान उसको रखिएगा, उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड यानी जीसस क्राइस्ट, इनको कहा गया है यंग वॉरियर। ठीक है, क्यों इनको वॉरियर कहा गया है? क्योंकि ये कभी भी करेज नहीं हारे, ये कभी भी साहस नहीं हारे। इनको पता था कि इनको क्रूसीफाई करने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा भी डरे हुए सहमे हुए नहीं थे, बल्कि ये बहुत बहादुरी लेकर के और करेजियस बन करके जा रहे थे। इस रूट को मन किया, वो रूट बता रहा था मुझे, मन किया कि मैं झुक जाओ, गिर जाओ, बर्स्ट हो जाओ, और सारे जो दुश्मन ये क्राइस्ट को लेकर के आ रहे हैं उनको मारने के लिए, उनके ऊपर गिर जाओ ताकि उन्हीं को मार गिरा सकूं। लेकिन मुझे इजाज़त नहीं था, क्राइस्ट ने मुझे इजाज़त नहीं दिया। मेरा हुक्म मुझे यही तामिल करना था कि मैं खड़ा रहूं अपनी जगह और क्राइस्ट को होल्ड करके रखूं और दुश्मन को कुछ ना करूं, और ये मुझे चुपचाप सहना पड़ेगा, चाहे मेरा मन हो या ना हो, चाहे मुझे कितना भी दर्द हो, लेकिन क्राइस्ट को मेरे ऊपर ही क्रूसीफाई किया जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। यही हुक्म मेरे लिए था, तो यही हुक्म का तामिल मैं कर रहा था। धरती जो है वो हिल रहा था, ये जो घोर अन्याय हो रहा था क्राइस्ट का क्रूसीफिक्शन, ये इसका वजह से धरती हिल जा रहा था। ठीक है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, मैं भी टस से मस नहीं हुआ। जो यंग वॉरियर थे यानी क्राइस्ट, वो उठे धीरे धीरे। ये जो गैलोस था यानी ये जो क्रूसीफिक्स था मेरे ऊपर, ये उनके लिए गैलोस ही था, फांसी का फंदा जैसे थे, इसमें उनका बलि चढ़ाने वाले थे दुश्मन। तो वो मैनकाइंड को रिडीम करने के लिए, यानी जो मनुष्य जाति ने जितने भी पाप किया है, जितने भी सिंस किया है, गुनाह किया है, उनका माफ़ी के लिए, उनका मगफिरत के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। फिर उनको कुछ और भी नामों से नवाजा गया, जैसे द माइटी किंग, लॉर्ड ऑफ हेवन, गॉड ऑफ होस्ट्स। ये कुछ नामों से फिर पोएम में उनको नवाजा गया। फिर बताया गया कि जब घने काले जो नेल्स थे, जो उस जो कीले थी, जो ठोका गया क्राइस्ट के शरीर में,
वो एकदम बहुत ज़्यादा ज़ख्म उनमें पैदा किए, और उस ज़ख्म में सिर्फ वही ज़ख्मी नहीं थे, मैं यानी जो रूड जो मेरे ऊपर प्राइस सफ़र कर रहे थे, मैं भी उनका सफ़रिंग में एक हिस्सेदार था, मैं भी एक को सफ़रर था। इसको इस लिहाज में एक लाइन फिर से इंपॉर्टेंट आ जाता है, ट्रेचरस स्ट्रोक्स योनिंग ओपन। तो यहाँ ट्रेचरस स्ट्रोक्स का मतलब वही जो धोखेदारी से गद्दारी से उन पे उनका शरीर में हमला किया गया, वही आघात का चिन्ह को यहाँ पे बताया गया है, ट्रेचरस स्ट्रोक्स। ठीक है, फिर ये जो डार्क क्लाउड थे, घने बादल मंडरा गए, उनके जो मृत देह था उसका ऊपर काले बादल मंडरा गए, जैसे उनको एक छाव देने का एक प्रयास कर रहे हो। ठीक है, और सिर्फ वही घायल नहीं हुए थे, मेरा भी पूरा बदन में क्या लगा था, तीर लगे हुए थे, तीर लग के मैं भी पूरा जख्मी था, खून टपक रहा था। आदमी आए हुए थे जो जिन क्राइस्ट के चाहने वाले थे, वो चारों तरफ से आए हुए थे, उनका जो वॉरियर थे, उनके जो सेवियर थे, उनको एक लास्ट अलविदा कहने वो लोग आए हुए थे, और उनके सर के चारों तरफ घेर के सब कोई खड़े थे। सारे को यहाँ पे लिम वेरी बताया गया है, लिम वेरी यानी बदन हाथ पैर बहुत थक जाना, यहाँ पे एक्चुअली थक जाना इन द सेंस क्या कि वो लोग ये दृश्य बर्दाश्त करने का हालत नहीं थे, वो लोग को लग रहा था कि वो लोग गिर जाएंगे, ये देख के खड़ा सही से खड़ा नहीं हो पाएंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे लिम वेरी बताया गया है। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि ब्राइटेस्ट स्टोन से, बहुत उज्ज्वल मतलब जो जेम स्टोन है उससे उन्होंने एक अर्थन हॉल यानी कि ग्रेव, एक कब्र बनाया जिसमें क्राइस्ट को उन्होंने समाधिस्थ किया। इसमें फिर क्राइस्ट का एक और नाम बताया गया है, विल्जर ऑफ विक्ट्रीज यानी विजय करने वाला। ठीक है, और उनका शोक में, उनका मृत्यु का शोक में एक इवनिंग टाइड गाया गया, एक मोर्नफुल सॉन्ग गाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बोथ ऑफ अस यानी रूड को भी गिरा दिया गया। ठीक है, रूड को भी गिरा दिया गया, जैसे क्राइस्ट का बॉडी गिर गया था वैसे रूड को भी काट करके गिरा दिया गया, और ये काफ़ी एक टेरिफाइंग साइट था, काफ़ी भयभीत जनक दृश्य था। ठीक है, हालांकि काट के गिरा देने के बाद भी उसको रेस्क्यू किया किसने, एलीज एंड थेन्स ऑफ लॉर्ड यानी जितने भी अच्छे आदमी थे, शुभ बुद्धि संपन्न आदमी थे, जो क्राइस्ट के फॉलोअर थे, क्राइस्ट के अच्छे चाहने वाले थे, वो लोग ने आके रूड को उद्धार किया और उसको गोल्ड और सिल्वर में मोड़ करके उसको संरक्षण करके सिक्योर करके रख दिया। अब रूड बता रहा है कि मैं जो हूँ, आई हैव आउटलास्टेड द डीड्स ऑफ द बेलफुल, जितना भी घृण्य काम है, जितने भी खराब काम है, जितने भी जघन्य काम है, सबको मैंने झेला है और उससे निजात पाया है, उससे बढ़ गया हूँ मैं, क्योंकि सारा तरीके का हेटफुल क्राइम मेरे खिलाफ हो चुका है, सारा तरीके का अत्याचार मेरे ऊपर हो चुका है, तो मैं उनको सह करके उससे ऊर्ध में चला गया हूँ, उसको जीत लिया हूँ। मेरे ऊपर किसने सफर किया था, चाइल्ड ऑफ गॉड ने यानी क्राइस्ट ने। ठीक है, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी सेम क्राइस्ट को बताया जा रहा है, द वार्डन ऑफ हेवन्स रेम, ये लेकिन क्राइस्ट को नहीं, ये रूड को बताया जा रहा है, उसको रूड को बना दिया गया हेवन का वार्डन, द वार्डन ऑफ हेवन्स रेम। क्यों? क्योंकि उसको पुरस्कार मिला कि उसने क्राइस्ट के साथ खड़ा रह के क्राइस्ट का सफरिंग में वो भी एक हिस्सेदार बना था, उसने भी कष्ट उठाया था और क्राइस्ट का जो हुक्म था उसको तामिल किया था, अपना इतना कष्ट के बावजूद इसी का पुरस्कार उसको मिला। इसमें हिडन मैसेज ये दिया जा रहा है कि लॉयल्टी बहुत बड़ा चीज़ है, अगर आप लॉयल रहोगे, अगर आप करेजियस रहोगे, तो आपको उसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ही। ठीक है, फॉरेस्टेड ट्री में उसको सुपीरियर बना दिया गया, जितना भी जंगलों में पेड़ था सब में सबसे अव्वल दर्जा, सबसे ज्यादा मात्रा किसको मिला, यही ट्री को, यही रूड को। ठीक जैसे क्राइस्ट ने अपने माँ मेरी को सारे वुमेन में सबसे अव्वल दर्जा दिया है, ठीक वैसे सारे पेड़ों में सबसे अव्वल दर्जा रूड को मिला है। अब वो बता रहा है स्पीकर को कि मैंने जो तुमको इतना सारा चीज बताया, अब तुम जा करके बाकी सबको बताओ ट्री ऑफ ग्लोरी यानी मेरे बारे, रूड के बारे। जजमेंट डे जब आएगा, जब डे ऑफ डूम, जजमेंट डे कहे या डे ऑफ डूम कहे दोनों एक ही है, ये इसको कयामत का दिन कहा जाता है, जिस दिन सब कोई का विचार होगा, जितने भी एंजल्स थे, हेवन के एंजल्स थे, सब आएंगे। ठीक है, और उनके साथ साथ कौन मौजूद रहेगा, हम लोग, क्योंकि हम सबको मरने के बाद जजमेंट डे में उपस्थित होना है लॉर्ड के सामने, क्राइस्ट के सामने, अपने हरकतों का हिसाब पेश करने के लिए। उसी हिसाब से ठीक होगा कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा, किसका सेल्वेशन होगा, किसका डैमनेशन होगा। ठीक है, तो सब डरे हुए रहेंगे कि ये हम लोग के सेवियर है, क्राइस्ट है, इनके सामने हम लोग अब क्या बोले,
क्या मतलब क्या हम लोग हरकत करके आए हैं, क्या पाप करके आए हैं दुनिया में, क्या पता क्या पुण्य किए हैं कि नहीं किए, इनके सामने कैसे मुंह खोले। लेकिन बताया जा रहा, रोड बोल रहा कि किसी को घबराने का दरकार नहीं है, किसी को भयभीत होने का दरकार नहीं है, क्योंकि जिसके सीना में बेस्ट साइन रहेगा, बेस्ट साइन इन द सेंस द साइन ऑफ गोइंग टू हेवन, जो पुण्य काम करके आए हैं, जो दुनिया में राइटियस लाइफ बिताए हैं, सही रास्ता में चले हैं, सत्ता के रास्ता में चले हैं, उनको डरने का दरकार नहीं है, उनका लिए हेवन तय है। ठीक है, और अगर कोई जाना चाहता है, कोई अगर अपने सेवियर के साथ, एंजल्स के साथ हेवन में हमेशा के लिए रहना चाहता है, तो उसको दुनिया में रहते हुए क्या करना पड़ेगा? सीक थ्रू रूड द वे टू लिव विद सॉवरेन। सॉवरेन यानी क्राइस्ट का बात किया जा रहा है कि रूड का थ्रू, रूड जो जो चीज बताया, रूड जैसे जैसे मतलब दीनदारी का बात बताया, वैसे ही सबको अपना जिंदगी गुजारना पड़ेगा, तब जाके सबको इनाम मिलेगा क्राइस्ट के साथ रहने का। अब रूड ने बताया क्या, उसने दो ही चीज, अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो दो ही चीज के ऊपर उसने तवज्जो दिया। एक है लॉयल्टी, कि जो चीज क्राइस्ट के प्रति लॉयल्टी, लॉर्ड के प्रति लॉयल्टी, ऑलमाइटी गॉड के प्रति लॉयल्टी, तो गॉड ने जो बोला है, क्राइस्ट ने जो बोला है, उस चीज को एकदम अक्षर बाय अक्षर मान के चलना है, चाहे दुनिया में कितना भी परिस्थिति खराब हो, चाहे पूरा दुनिया सिन में पाप में डूब गया हो, लेकिन मुझे हमेशा क्राइस्ट के वे में, सही रास्ता में, दीन का रास्ता में चलना है। एक ये बात, और दूसरा बात उन्होंने बताया कि सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहना है, चाहे कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन अपना रास्ता से नहीं भटकना, सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहना है, और हिम्मत का साथ डरना नहीं है। ठीक जैसे क्राइस्ट ने भी डरा नहीं था, उनका अपना गलती नहीं, मानव जाति का गलती को सुधारने के लिए उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया, वो भी एकदम करेजियस वॉरियर के तहत। हम लोगों को भी अपना जिंदगी करेज के साथ गुजारना चाहिए, सैक्रिफाइस के लिए रेडी रहना चाहिए, और स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट पाथ में, गुड रिलीजियस वे में बिताना है, तब जाके हम लोग जा सकेंगे सॉवरेन का साथ। अब जो इसका आखिरी हिस्सा है, उसमें स्पीकर बताते हैं कि रूड का ये बातों का और ड्रीम का उनका जिंदगी में क्या असर होता है, और अब वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब जो स्पीकर है वो एकदम शांत दिमाग से प्रे कर रहे हैं, ब्लिसफुल प्रेयर। ठीक है, अपने दिल से वो निकाल रहे हैं दुआ, दिल से वो एक प्रेयर निकाल रहे हैं, किसके प्रति? मियागर होस्ट के प्रति। मियागर होस्ट यानी यहाँ किसको बताया जा रहा है? रूड को बताया जा रहा है। ठीक है, विक्टोरियस ट्री, फिर से वही रूट का ही बताया जा रहा है। तो विक्टोरियस ट्री का थ्रू उनका जो गाइडेंस दिया रूट ने, अभी अभी जो कुछ बताया, जैसे जिंदगी व्यतीत करने बोला, उस चीज़ को अक्षर अक्षर में वो मानना चाह रहे हैं, और उसी लिहाज से अपना जिंदगी बिताना चाह रहे हैं। वो रूट को अपना गार्जियन बना चुके हैं। ठीक है, और उनका दिल में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बैठ गया है कि क्राइस्ट के साथ, एंजल्स के साथ हेवन में जाना है, और उसके लिए दुनिया में जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। अभी वो वेल्दी नहीं है, वेल्दी इन द सेंस धन संपत्ति के हिसाब से नहीं, दोस्तों के हिसाब से, क्योंकि उनके ज्यादातर दोस्त क्या हुए हैं, ऑलरेडी उनका डेथ हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, तो उन लोगों को शायद ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है कि वो लोग अपना सॉवरेन क्राइस्ट के साथ शेयर करे, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ रहे, उनके साथ फीस्ट में एक वो लोग पार्ट करे। ठीक है, फीस्ट इन द सेंस वही जो क्राइस्ट का लास्ट सफर का बात यहाँ पे किया जा रहा है, और यहाँ फीस्ट एक तरीके से सिम्बॉलिक है, फीस्ट इन द सेंस की जो खुशी होगा क्राइस्ट के साथ मिलकर रहने का, हेवन में रहने का, एक पीसफुल ब्लिसफुल और हैप्पी लाइफ गुजारने का, इसी को फीस्ट के साथ तुलना किया गया है। अब उनका जो धरती वाला लाइफ है, उनको वो अकेलापन लगता है, लोन्ड लाइफ लगता है, और ये लोन्ड लाइफ, अकेला लाइफ उनको काफ़ी इन्फीरियर लगता है, किसके मुकाबले? द ब्लिस ऑफ हेवन, स्वर्ग का जो शांति है उसके मुकाबले, उसके उन जो लॉर्ड, माई फ्रेंड लॉर्ड, माई फ्रेंड लॉर्ड यानी क्राइस्ट का बात किया है, उनका फीस्ट में अब उनको हिस्सा लेना है, हेवन में अब जाना है। ठीक है, एक लाइन इस संदर्भ में फिर से पोएम में आता है, टू ड्वेल इन ग्लोरी ब्रूकिंग जॉय इज वेल अमिड द सेंटेड। सेंटेड यानी जो बहुत अच्छे गुड हार्टेड पीपल है, जो ऑलरेडी अपने अच्छे कर्मों के वजह से हेवन में जा चुके हैं, और ग्लोरी के साथ, ठीक है, काफ़ी अच्छाई के साथ वहाँ रह भी रहे हैं, तो मुझे भी उनके साथ जा कर के रहना है। द सन, सन मतलब यहाँ किसको बताया गया? क्राइस्ट को बताया गया, कह रहे कि बाइबल में क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड माना जाता है, इसलिए द सन यानी क्राइस्ट। ठीक है, तो
किसका लिए, मतलब स्पीकर अब बोल रहे हैं कि अब मैं दुनिया में बस मेरा एक ही ख्वाहिश है और मैं एक ही दिन के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन मैं दुनिया में अच्छा काम करके मेरा दुनिया से अलविदा लूँगा, उस दिन मैं हेवन में जाऊँगा, वहाँ कौन मेरा वेट करते होंगे, द सन यानी क्राइस्ट मेरा वेट करते होंगे, आर्मी ऑफ सोल्स, गुड सोल्स, होली स्पिरिट्स, एंजल्स, इन सब का एक पूरा कदाद, एक पूरा आर्मी खड़ा होगा, ठीक है, और उस आर्मी में मैं भी ज्वाइन होऊंगा, मैं भी शामिल होऊंगा। इस बार एक और लाइन पोइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होप वॉज रिन्यूड विद बर्ड्स एंड विद ब्लिस फॉर दो सफर्ड द बर्निंग, जिन्होंने वो आग को झेला है, दुख का आग, दर्द का आग, सैक्रिफाइस का आग को जिन्होंने झेला है, उनके लिए अब दोबारा से होप रिन्यू हो रहा है, उनके लिए सॉफ्ट बर्ड, छोटे छोटे कलिया का रूप में क्या खिल रहे हैं, शांति खिल रही है और प्रेम खिल रहा है, ठीक है, और आराम खिल रहा है उनके लिए जिन्होंने धरती में कष्ट बर्दाश्त किया है, सफरिंग बर्दाश्त किया है, ठीक है। तो जब क्राइस्ट जाएंगे हेवन को, वो जब रिटर्न जाएंगे उनके एंजल्स के साथ और होली मेन के साथ, तो मैं भी उसमें शुमार होऊंगा, यही मेरा ख्वाहिश है। तो ये था पूरा पोएम, आशा करते हैं आपको समरी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखिए, क्योंकि ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले वो पहुंच जाए। कोई और अगर आपको पोएट्री, ड्रामा, नॉवल या ऐसे या कोई भी टॉपिक में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ 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 मेंशन कीजिए कमेंट में, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।